गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट का सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो आपका समास का टॉपिक है और उसके बाद हमने आपको अलंकार का टॉपिक बताया था। सभी बच्चों के वो टॉपिक समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है वो टॉपिक हमारा वाक्य है। आपके सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी में नया टॉपिक डाला गया है जो है वाक्य। तो आज हम वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है ना, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं और वाक्य के कितने प्रकार हैं, आज इनके बारे में बात करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर आपका होगा 3rd और लेक्चर नंबर आपका होगा 1। क्लियर। आज अगर हम वाक्य की परिभाषा और वाक्य के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपने अक्सर देखा होगा छोटी क्लास में जब आप पढ़ते थे तो आपको सबसे पहले वर्ण सिखाए जाते थे, उसके बाद आपको वर्णों के माध्यम से शब्दों की रचना, और शब्दों की रचना के बाद आपका नंबर आता था किसका, वाक्य बनाने का, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। अब वाक्य की परिभाषा अगर अपन देखें तो वाक्य की परिभाषा क्या बनती है, ये सबसे पहले हम देखें तो वाक्य जो होता है वो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह होता है। परिभाषा अगर देखी जाए, परिभाषा बनती है, देखिए एक बात आप बच्चे सभी जानते हैं और समझते भी हैं, अगर मान लीजिए शब्दों का उठपटांग तरीके से एक क्रम जमा दिया जाए तो उससे भाव जो है कहने वाले का वो स्पष्ट नहीं होता। तो वाक्य की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो वाक्य की परिभाषा क्या बनती है वो देखिए, शब्दों या पदों, शब्दों या पदों का ऐसा व्यवस्थित शब्दों या पदों का ऐसा व्यवस्थित क्रम, ठीक है ना, जिससे वक्ता का भाव पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है, है ना। ऐसे शब्दों के समूह को ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। क्लियर बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, मैंने लिखा शब्दों या पदों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जिससे वक्ता का वाक्य लिख दिया यहाँ, सॉरी, वक्ता का भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। वक्ता मतलब कहने वाला जो होता है उसका भाव पूर्ण रूप से जिस शब्द समूह से स्पष्ट हो जाता है उस शब्द समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाक्य कहते हैं। और वाक्य जो होता है, ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, उदाहरण लिखा, अगर मैं देखिए ध्यान से देखना, दो उदाहरण लिख रहा हूँ। अगर मैं लिखता राम है का भरत भाई, ठीक है, अब आप कहेंगे सर शब्दों का समूह तो ये भी है, लेकिन यहाँ अगर अपन देखें तो इस शब्द समूह से जो है वक्ता का भाव या कहने वाले का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। हम देखें राम है का भरत भाई, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। अब इसी चीज़ को अगर मैं सही क्रम में जमाता तो ये होता राम का भाई भरत है। अब देखिए एक व्यवस्थित क्रम हो गया, और ऐसे व्यवस्थित क्रम को ही हम शब्द समूह कहेंगे।
और ऐसा शब्द समूह जिससे वक्ता का क्या स्पष्ट हो रहा है, भाव स्पष्ट हो रहा है, वो जो कहना चाहता है वो चीज़ स्पष्ट हो रही है। तो इस शब्द समूह को ही हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। किसकी श्रेणी में रखेंगे? वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। तो सभी बच्चों के सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य का मतलब क्या होता है। ये नहीं कि हम किसी भी शब्द समूह को वाक्य कह दें जिससे कोई भाव ही स्पष्ट नहीं हो रहा। अधिकांशतः आप लोगों ने मुहावरे पढ़े होंगे, तो मुहावरे जो होते हैं वो कभी पूर्ण वाक्य नहीं होते, एक वाक्यांश होता है। जब तक उनका प्रयोग हम वाक्य में नहीं करते वो वाक्य नहीं कहलाते, क्योंकि अपना अर्थ स्पष्ट नहीं करते। तो आपको ध्यान रखना है, वाक्य जो होते हैं, वाक्य वे चीज़ होती हैं जो चीज़ मतलब अपना भाव पूर्ण, कहने वाले का पूरा कथन स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्लियर? अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं। अगर अंग की बात करें, इंग्लिश में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के अंग, अगर हम वाक्य के अंगों की बात करें तो देखिए, किसी भी वाक्य के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है कर्ता वाला पार्ट होता है, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो उसका उस कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो वाला पार्ट होता है। तो इसी आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका हो जाता है उद्देश्य। क्या हो जाता है? उद्देश्य। पहला पार्ट आपका उद्देश्य और दूसरा पार्ट आपका हो जाता है विधेय। क्लियर? अब इन दोनों के बारे में अगर बात की जाए तो उद्देश्य क्या होता है, आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो और हिंदी में भी पढ़ते हो और पढ़ते भी आ रहे हो कि उद्देश्य जो होता है कर्ता वाला पार्ट जो होता है, यानी कर्ता जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसका वर्णन किया जाए, वो उद्देश्य की श्रेणी में आता है। और जो उसके बारे में कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल अगर मैं देख आपको बताऊँ तो ध्यान रखना, जैसे देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ निकल के आता है उद्देश्य और विधेय। देखिए ध्यान से, मैंने लिखा राम खेल रहा है, खेल रहा है। अब आप बच्चे देखें, सार्थक चीज़ निकल रही है, शब्दों का समूह है ना, और शब्दों का समूह होने के साथ साथ इससे जो अर्थ में स्पष्ट करना चाह रहा हूँ वो अर्थ स्पष्ट हो रहा है। यानी सर कह रहे हैं कि राम खेल रहा है, कोई भी जो भी वक्ता है उसने बताया कि राम क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। अब देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कर्ता कौन है, खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम यहाँ पर आपका उद्देश्य होगा। क्या होगा? उद्देश्य होगा। और क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? विधेय। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको अभी बताया कि देखिए जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, यहाँ हम राम के बारे में वर्णन कर रहे हैं तो ये उद्देश्य वाला भाग हो जाएगा, और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो परिभाषा में आपको यही लिखना है कि वाक्य में जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, यानी इस पार्ट के अंदर, उद्देश्य पार्ट के अंदर आपका कौन आता है? कौन आता है? कर्ता आता है, केवल कर्ता आता है। कौन आता है? केवल कर्ता आता है। लेकिन जो कुछ भी उस कर्ता के बारे में कहा जाता है वो वाला पार्ट आपका किस में जाता है? विधेय में जाता है। और इसमें आपका क्रिया भी आती है। क्या आती है? क्रिया। क्या आती है? क्रिया। आप ध्यान रखना कि इस वाले पार्ट में क्रिया जो होती है वो अक्सर आपको एक ही मिलेगी, जबकि कर्ता आपके एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है? अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए वाक्यों के भेद जो हैं वो कितने प्रकार से किए गए हैं, उनके बारे में बात करें तो देखिए वाक्यों के भेद, गेट गेट लगा, तो देखिए वाक्यों के भेद, वाक्य भेद, अगर हम वाक्य भेद की बात करें बच्चों तो वाक्य भेद कितने होते हैं? तो देखिए सबसे पहले वाक्यों के भेद निम्न प्रकार से होते हैं। एक तो होता है क्रिया की दृष्टि से, नंबर एक, क्रिया की दृष्टि से,
क्रिया की दृष्टि से। नंबर एक भेद हो गया क्रिया की दृष्टि से, नंबर दूसरा भेद आपका हो गया अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। क्लियर बच्चों, है ना? पहला भेद हो गया क्रिया की दृष्टि से, दूसरा भेद हो गया अर्थ के आधार पर, तीसरा भेद आपका जो हो गया वो हो जाता है रचना के आधार पर। तीसरा भेद किसके आधार पर हो जाता है? रचना के आधार पर। ठीक है, है ना? और इसके बाद आपका जो है कोई भेद नहीं है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि वाक्य के कितने भेद हो गए? अब तीन भेद हो गए। तीन भेद का मतलब है हम वाक्यों को तीन दृष्टियों से बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है क्रिया की दृष्टि से, फिर दूसरा आता है अर्थ के आधार पर, और तीसरा आता है रचना के आधार पर। ठीक है, अब देखें हम क्रिया की दृष्टि से कैसे। अक्सर आपने पढ़ी भी है 8th क्लास में व्याकरण में आपको समझाया गया था कि देखिए आपने देखा होगा 8th क्लास में वाच्य नहीं पढ़ाए गए थे, 9th में बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से कि क्रिया की दृष्टि से एक तो होता है कर्मवाच्य, जिसको आप बॉयस बोलते हो, एक होता है कर्तावाच्य जिसको कर्तृवाच्य बोलते हैं, और एक होता है भाववाच्य, भाववाच्य। ठीक है, तो देखिए क्रिया की दृष्टि से ये तीन भेद हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्लियर। इसके बाद अर्थ की दृष्टि से देखें तो अर्थ की दृष्टि से इसके आठ भेद आते हैं। सबसे पहले आता है विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, फिर आता है दूसरा निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रश्नवाचक, प्रश्नार्थक, प्रश्नार्थक, प्रश्नार्थक वाक्य। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक, इच्छार्थक वाक्य। ठीक है, इसके बाद आपका आता है संकेतार्थक वाक्य, संकेतार्थक, संकेतार्थक वाक्य। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका आता है विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, आठवां वाक्य आपका आता है इसके बाद वो देखिए संधेयार्थक वाक्य। ठीक है, संधेयार्थक, संधे, संधेयार्थक वाक्य। ठीक है, देखिए बच्चों क्रिया की दृष्टि से अगर अपन देखें, क्रिया की दृष्टि से कर्मवाच, कर्तृवाच और भाववाच, यानी कर्मवाच में कर्म के अनुसार क्रिया होती है, भाववाच में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, सॉरी कर्तृवाच में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, और भाववाच में आपकी क्रिया किसके अनुसार होगी? भाव के अनुसार होगी। ठीक है, अर्थ के आधार पर अगर अपन देखें, विधानार्थक जिसको आप सिंपल सेंटेंस कहते हो, तो विधानार्थक यानी सामान्य अर्थ देने वाले जो होंगे वो विधानार्थक होंगे, सामान्य अर्थ को देंगे यानी सकारात्मक चीज़ को कहेंगे, निषेधात्मक नकारात्मक चीज़ को कहेंगे, हमेशा मना करने वाले। आज्ञार्थक में आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्रिया आज्ञा देने वाली होगी। प्रश्नार्थक में क्या होगा कि प्रश्न को बताने वाली क्रिया होगी। इच्छार्थक में क्या है? इच्छा का बोध कराने वाली होगी। संकेतार्थक में आपको किसी वस्तु की ओर संकेत
किया होगा। और इसमें आदि बोधक में आपको ध्यान रखना है, खेत का, दुख का या हर्ष का ऐसा कोई भाव आपको स्पष्ट दिखाई देगा। संदेह यानी किसी वस्तु में जब संदेह प्रकट होगा तो उसमें संदेहार्थक वाक्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रचना के आधार पर अगर अपन भेदों को देखें तो रचना के आधार पर भेदों के बारे में बात करें तो भेद निम्नलिखित होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखिए ध्यान से। नंबर एक होता है साधारण वाक्य, नंबर एक होता है साधारण वाक्य, नंबर दो होता है आपका साधारण वाक्य, नंबर दो संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और नंबर तीन होता है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपके ये तीन प्रकार रचना के आधार पर होते हैं। साधारण वाक्य में आपको ध्यान रखना है कि आपका साधारण वाक्य कहाँ पर होगा, जहाँ पर एक ही क्रिया होती है और एक ही प्रधान वाक्य होता है। जैसे राम बाजार जाता है तो साधारण वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो उपवाक्य होते हैं जो किसी योजक चिन्ह, योजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं, है ना, तो वहाँ आपका संयुक्त वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, अर्थात एक उपवाक्य होता है और दूसरा प्रधान वाक्य होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वाक्यों के ये भेद अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको याद रखना है। इनके बारे में विस्तृत अध्ययन जो किया जाएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। एक बार इनका और रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य जो होते हैं वो शब्दों का समूह होता है, लेकिन शब्दों का समूह ऐसा होता है जो एक व्यवस्थित क्रम में होता है, और व्यवस्थित क्रम में होने के कारण वो वक्ता के भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है, ठीक है। अब हमने उसके भेदों के बारे में पढ़ा, तो मुख्य रूप से वाक्यों को तीन प्रकार के भेदों में बांटा गया है। सबसे पहले उसको क्रिया के आधार पर बांटा गया, तो क्रिया की दृष्टि से हमने देखा कि पहला भेद था, पहला भेद आप इसको लिख सकते हैं कर्तृवाच, दूसरा भेद आपका हो जाएगा कर्मवाच, और तीसरा भेद आपका हो जाएगा भाववाच, ठीक है। अर्थ के आधार पर हम देखें वाक्यों के प्रकार, तो विधानार्थक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक, विस्मयबोधक और संदेहार्थक। इनमें जो होता है वो अर्थ के आधार पर ही इनके नाम धरे गए हैं। जिस तरह से इनका अर्थ होता है उसी तरह से इनके नाम धरे गए हैं। जैसे विधान का मतलब होता है सकारात्मक सोच, जिसमें किसी भी कार्य के लिए मना नहीं किया जाएगा। निषेधात्मक वाक्य में आपको ध्यान रखना है, अक्सर हमेशा हर चीज़ के बारे में निषेध करेगा, मना करेगा। आज्ञार्थक में क्या होगा कि आज्ञा का बोध होगा, यानी कोई भी आपको आज्ञा देगा तो वहाँ आज्ञार्थक होगा। प्रश्न का जिस सेंटेंस से, जिसको आप इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हो, तो वो आपका प्रश्नार्थक वाक्य होगा। इच्छार्थक में इच्छा का बोध होगा, ठीक है, और संकेतार्थक में संकेत किया जाएगा किसी ओर, और विस्मय में क्या होता है हर्ष, शोक, खेद, इन चीज़ों का बोध होगा, और संदेह में आपको किसी चीज़ के बारे में संदेह होगा कि शायद वो आए, शायद ऐसा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में संदेहात्मक वाक्य होता है। साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस होते हैं जो आप सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, इसमें एक ही क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, और दोनों वाक्य किसी ना किसी योजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, ठीक है, एक वाक्य के बिना दूसरे वाक्य की, मतलब दूसरे वाक्य कथन का भाव स्पष्ट नहीं होता। जैसे मैंने कहा राम ने कहा कि वह जयपुर जाएगा, तो जो राम का कहने का कथन होगा वो आपका प्रधान वाक्य होगा, जिस पर दूसरा वाक्य आपका क्या होगा, आश्रित होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वाक्य की परिभाषा और उसके भेदों को अपनी अपनी नोटबुक में लिखें, फिर इसके बारे में विस्तृत रूप से नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन जारी रखें और पढ़ते रहें, ठीक है।